लेकिन गाइस इसके ना देखो यहाँ पर निशान पड़ गए, तीन निशान पड़ गए, एक दो तीन, बस ये ठीक हो जाए। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी दिन के 12 बज रहे हैं, अब जाके वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हुई है और अब मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ 12 बजे। यूजुअली मेरी 8 बजे आती है, बट कल रात को हम 2 बजे पहुँचे चंडीगढ़ से, तो 12 घंटे ड्राइव करा, रात को 2 बजे पहुँचे और एक्सीडेंट भी हो गया तो मूड खराब था, तो मैं एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करी। मैं घर आते ही आराम से सो गया था और अभी 10 बजे उठा मैं, फिर मैंने एडिटिंग करी बिकॉज मैं पूरे हफ्ते से नहीं सोया था। शूटिंग करी, उसके बाद फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर भागा थोड़ी इधर उधर, तो हाँ ड्राइव करा 2 दिन, तो पूरा दिन ड्राइव कर रहा था मैं 10-10 घंटे। तो फाइनली वीडियो अपलोड हो चुकी है, अब चलते हैं बाहर, नहाते धोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर देखते हैं। ब्रेकफास्ट के अब लंच ही करेंगे सीधा 12 बज के। तो भैया फिलहाल नहा लिया है, अब ब्रेकफास्ट करते हैं। क्या बना मम्मी? दाल बनाई है, रोटी भी है, खिचड़ी भी बना रखी है। अभी उसके लिए खिचड़ी बनी, तो मैं भी खिचड़ी खा रहा हूँ फिलहाल। तो भैया खाना तो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है, 3 दिन हो गए एक्सीडेंट हुए हुए, लेकिन पीयूष का जो मुंह है ना वो सूजा पड़ा अभी तक 3 दिन से, और वो ठीक ही नहीं हो रहा है यार। दिखाऊं आपको, ये देखो मतलब राइट साइड में देखो, पूरा यहाँ से लेके ये सूजा हुआ है पूरा, मतलब इसका मुंह पूरा चेंज हो गया है। ये देखो पीयूष का फेस बिल्कुल चेंज हो गया है, यहाँ से पूरा मोटा हो गया पीयूष का फेस। और थोड़ा ऊपर करो, यहाँ पे भी निशान पड़ गया, यहाँ भी निशान, यहाँ भी निशान, यहाँ भी निशान, दर्द हो रहा है, सॉरी दांत के नीचे स्टिचेस लगे हुए हैं। तो 3 दिन से सूजा हुआ है, दर्द हो रही है, और कुछ 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया इसने, सिर्फ लिक्विड विक्विड पी रहा है, कुछ खाया, कुछ चबाया नहीं जा रहा है इससे। यहाँ स्टिचेस लगे हुए हैं ना, मतलब सूजन ठीक नहीं हो रही है। एक्सरे तो करा लिया था हमने इसके मुंह का, पूरे स्कल का एक्सरे करा लिया था कि कहीं पर कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन कहीं पर कुछ क्रैक नहीं, कुछ नहीं है, डॉक्टर ने बताया सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर बताया सूजन क्यों नहीं जा रही है, और स्टिचेस तो हैं, बाकी खाना पीना कुछ नहीं खाया जा रहा, सिर्फ लिक्विड पिया जा रहा है। अभी फिलहाल लिक्विड पे ही है ये 3 दिन से, तो देखते हैं कब तक ठीक होता है। तो सोच रहा हूँ अगर सूजन ठीक नहीं होगी तो हॉस्पिटल दिखा रहा हूँ क्या सीन है। ये वाला पार्ट है ना, ऐसा है तेरे मुंह के अंदर कुछ है, तूने कुछ भर रखा है मुंह में, क्या भर रखा है? क्या भर रखा है वो तेरे को पता, कुछ भर रखा है क्या? बोलो जुबा केसरी, जुबा केसरी। लेकिन गाइस जो भी है, मुझे मतलब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि और कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही है, मतलब बिल्कुल सही है। साहिल भी, पीयूष भी और दिव्यांश भी। बाय द वे ये हमारा ओरियो, पूरे 7-8 दिन के बाद ये वीडियो में दिख रहा है। हम मनाली चले गए थे ना, तो हाँ आके भी मैं अच्छे से मिल नहीं पाया, अब मिल रहा हूँ अच्छे से बस। तो पीयूष अब वीडियो भी नहीं बना पाएगा बिकॉज इससे बोला नहीं जा रहा ना, तो बोल नहीं सकता, बस ये खेल सकता है। तो वीडियो को नहीं बना रहा, तो वीडियो उसके मुँह में लगी है ना, उसका मुँह सूजा पड़ा है, देखा नहीं आपने? तो कुनाली खा रहा है दूध भात, दूध और चावल मिक्स करके इसको बोलते हैं दूध भात। तो कुनाली के दूध भात को देख के मेरा मन भी कर रहा है दूध चावल खाने का, तो मैं भी खाता हूँ, मैं भी लेता हूँ, इसमें चीनी डाल के मस्त मस्त होता है टेस्ट, कभी ट्राई करना। बचपन में बहुत खाते थे हम भी खूब खाते थे बचपन में, हाँ सभी खाते, बचपन में सभी खाते थे, हाँ खाते थे, और पापा जी भी खाते थे। पीयूष का मुंह सूज रहा है, वो दिखाना है क्या? तभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं और चलते हैं पीयूष को लेके, पीयूष को दिखाएंगे। तो भी दूध डालते चावल में, कुनाली मैं भी लिया अपना दूध चावल, चीनी भी डाली है। कैमरे में दिखना है तो इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, अच्छा फोन मिल गया तो मजा आ गया इसको, फोन मिल गया तो मजा आ गया, फोन पढ़ाया क्या बोल रहा है? मेरे नाक में घुस गया था, देखो सबसे लेट आया था, सबसे पहले मैंने खा लिया, क्या भर रखा है मुंह में है? अबे यार क्या खाएगा? दाल चावल, दाल चावल खा लेगा, हाँ। खाया जाएगा, पीयूष उसको दाल चावल दे देता हूँ मैं, पतली पतली दाल है, सॉफ्ट चावल है, खा लेगा। तो अभी गाइस हम सोच रहे हैं कि पीयूष को दिखा ले हम डेंटल पे, क्योंकि इसके मुंह के अंदर प्रॉब्लम है ना, तो डेंटल को दिखाना जा सकती है, दांत वाले डॉक्टर को बेसिकली, तो हाँ अंदर थोड़ी बाहर है। तो अभी गाइस रात के 11 बज गए हैं और आज मैंने फुल रेस्ट करा है, मतलब ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं करा, घर से बाहर तो मैं निकला ही नहीं हूँ, तो मैंने फुल रेस्ट करा बिकॉज इतने दिनों से थकान लग रही थी ना। हे गाइस गुड मॉर्निंग, सो दिस इज द नेक्स्ट डे, अभी सुबह के 8:46 हो रहे हैं, रात को मैं सो गया था एडिटिंग करके बिकॉज बहुत नींद आ रही थी, तो फिलहाल आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज पीयूष को और दिव्यांश को हॉस्पिटल लेके जाना है, पीयूष का सूज रहा है ना पूरा मुंह, तो जल्दी से उठता हूँ, नहाता हूँ और पीयूष और दिव्यांश को ले जाना है हॉस्पिटल। फिलहाल नहा के रेडी हो गया हूँ, अब पीयूष को उठाता हूँ क्योंकि उसको हॉस्पिटल लेके जाना है ना। पापा जी पूजा कर रहे हैं, मम्मी चाची खाना बना रही है, मम्मी बना रही है हलवा, मम्मी जी दिव्यांश के लिए बना रही है हलवा क्योंकि दिव्यांश को पतला पतला खाना है ना। पीयूष उठो हॉस्पिटल जाना है आज, नहा के रेडी हो, ब्रेकफास्ट करो, दिखाओ मुंह, दिखाओ जरा, अभी भी सूज रहा है क्या? खड़ा हो एक बार, आज कम लग रहा है थोड़ा, आज कम लग रहा है ना, फिर भी डॉक्टर को तो दिखा लेंगे ना, उठ के नहा के ब्रेकफास्ट कर ले फिर चलते हैं हॉस्पिटल। आज सूजन कम है, पान मसाला थूक दिया, कल इसका मुंह सूजा हुआ था ना, तो सारा दिन ऐसे कह रहा था कि मैंने पान मसाला लगा, बोलो जुबा केसरी ऐसे से कर रहा था, भाई चोट लगी हुई है, ऊपर से मजाक कर रहा है भाई। कुनाली अलग ही सोया हुआ है सोफे पे, कुनाली उठो सुबह हो गई, सुबह उठ गया था एक बार, फिर दोबारा आके सोफे पे सो गया, वाह कुनाली उठो उठो सुबह हो गई, उठो उठो होमवर्क करना है आपको भी, चलो पीयूष तो उठ गया।
और ये हो जाता है मस्त चंक। तो ब्रेकफास्ट में बनाया दलिया पीयूष और दिव्यांश का, तो मैं भी दलिया ही खाता हूँ। चलो तो साहिल भी आ चुके कॉलेज, साहिल का एग्जाम था आज, तो कैसा हुआ एग्जाम, कैसे हुआ? मस्त। तो भी चलते हैं हॉस्पिटल दिव्यांश और पीयूष को लेके। दिव्यांश के पैर में लगे हैं तो गाड़ी मुझे अंदर लेके आनी पड़ेगी, ताकि उसको एकदम से गाड़ी में डाल देंगे। तो इस सीट में पूरा डाल देंगे दिव्यांश को ना। बाकी मैंने निर्मल भैया को बुला लिया है, वो हेल्प कर देंगे थोड़ी। तो भी हॉस्पिटल तो पहुंच गए हैं, दिव्यांश को ले जा रहे हैं, पीयूष को दिखाएंगे अब। तो भी पीयूष का बोला है कि इसको यहाँ पे बर्फ से सेकना है, क्योंकि कल से कम है ना। बाबरे बाबा, मुझे सवारी निकल के बात कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए। एक्चुअली दिव्यांश का प्लास्टर चेंज हो रहा है, तो बिल्कुल पक्के वाला प्लास्टर लगेगा उसमें। अभी तक तो नॉर्मल था ना, क्योंकि हम लेके आए थे मनाली से यहाँ, तो पक्का वाला लग जाएगा। तो अभी गाइस हम हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं, पीयूष को जूस पीना था तो जूस पिला देते। भैया दो मौसमी, मौसमी तेरे मुँह में लगे तो नहीं खट्टा खट्टा? नहीं, तेरा मुँह सिला हुआ अंदर से, देख ले कहीं खट्टा खट्टा लगे। अरे हाँ सही है, स्ट्रॉ से तेरे मुँह में लगेगा नहीं। तो अभी गाइस जूस पी लिया है, अब चलते हैं वापस हॉस्पिटल। हाय सर। हाय। हाय पीयूष। तो अभी प्लास्टर लग चुका है, अब जा रहे हैं दोबारा एक्सरे के लिए। तो पीयूष का एक्सरे करा लिया, इसका बिल्कुल ठीक है, इसको बस सूजन हो रही है, तो उसके लिए बोला कि इसको आइसिंग करनी है। तो अभी तीन बज चुके हैं, अभी तक हम हॉस्पिटल में ही हैं। लेकिन पीयूष सही है यार, मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ यार। कोई बात नहीं, दिव्यांश को कर देंगे हम ठीक। इतना चलो कुछ खाया हो, इतना गरीब चलने दो उनको। वो टिक्की खानी है, टिक्की खानी है उसको। टिक्की खानी है क्या? टिक्की तुझे क्या खाना है? ये छोले कुलचे, कल तो बोल भी नहीं पा रहा था, दो दिन से विमल खा रहा है, अब इसका मुंह देखो ऐसे गोल मटोल हो गया। दिव्यांश का मन कर रहा है खाने का टिक्की, तो टिक्की लेके आते हैं। भाई पहली बार देखा किसी पेशेंट को टिक्की खानी है, हमने पूछा कुछ खाना है, कह रहे टिक्की, टिक्की। अब उसका मन कर रहा है तो उसको खिलाई देते हैं यार। चार दिन से हम ऐसे ही हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, पहले दो दिन तो इतने मुश्किल थे ना। हेलो, टिक्की चाहिए पेशेंट के लिए, उसमें ना मिर्च ना टाइट, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट टिक्की बना दो। मंगाई दिव्यांश ने थी और हम भी खा रहे हैं। खाई जा रही है तुझसे? हाँ। कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं। मतलब तू तो ठीक हो गया? हाँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? तो अब हम पियेंगे नींबूज, इसे खोलने मजा आता है। तो भी गाइस मस्त खा के आ गए पापा चाचा, और दिव्यांश के लिए पैक भी करा लिया है। भाई बीच में क्यों खड़ा है, बीच में क्यों खड़ा है? प्लीज साइड हो जाओ, प्लीज साइड हो जाओ, मुझे साइड से निकालनी पड़ेगी। हॉस्पिटल पहुंच गए, ये लो आपकी टिक्की, ये लो, ये लो दिव्यांश की है। पीयूष को आ जाए नींद, पीयूष यहाँ लेट गया, चल सो जा सो जा, अभी टाइम लगेगा, अभी तो बाकी है, देखो इतना बाकी है अभी तो। लेकिन गाइस इसके ना देखो यहाँ पर निशान पड़ गए, तीन निशान पड़ गए हैं, एक दो तीन, बस ये ठीक हो जाए, ये भी और ये भी। पापा जी अपने हाथों से खिला रहे हैं। 5:30 बज गए, अभी तक नहीं हुआ, देख अभी एक घंटा और लगेगा मेरे ख्याल से। पी नहीं सकते उसको, वो नस में जाता है। तो दिव्यांश को ड्रिप पूरी लग चुकी है, अब चलते हैं घर पे। हाय गाइस, मैं गाड़ी चला रहा हूँ बिल्कुल इतनी स्लो, गाड़ी चला रहा हूँ इतनी स्लो, मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं चलाई इतनी। मनाली से हम ऐसे ही आए हैं, हमने 6 घंटे का रास्ता 12 घंटे में कराया। तो अभी हम जा रहे हैं पहले ओरियो के लिए पनीर लेने के लिए, पनीर लेना ओरियो के लिए। गाड़ी देखो कितनी स्लो चल रही है, जीरो की स्पीड में चल रही है। बंद होएगी, गारंटेड बंद होएगी। बंद तो नहीं होगी, बंद नहीं होने दूंगा, आराम आराम से चलाऊंगा, बंद नहीं होने दूंगा। एक्चुअली देखो आगे गड्ढे है ना, गड्ढों में आराम से चलानी पड़ रही है मुझे। ड्राइवर ने चलाई तेज, बहुत तेज, उसकी वजह से अब हमको चलानी पड़ रही है स्लो। इसीलिए आप भी कभी तेज मत चलाना, नहीं तो फिर स्लो चलानी पड़ेगी। 6 दे दो। पापा जी और चाचा जी बैठे हैं यहाँ पे अपना मस्त, अरे मस्त है, और बीच में दिव्यांश है। अरे दो पिला दियो, दो। तो पनीर लेके आते हैं, आधा किलो पनीर दे दो मम्मी के लिए। समोसे, समोसे और जलेबी, भैया जलेबी भी दे देना और समोसे भी। कुनाली के लिए क्या ले? कुनाली के लिए, तो कुनाली के लिए ये ले ले, ग्रीन वाला। चलो पनीर समोसे जलेबी सब ले लिया। हम लेने आए थे ओरियो के लिए पनीर, और हमको दिखा एकदम से समोसा, फिर दिखा कि जलेबी भी है, तो सब ले लिया। अब पीयूष लग रहा है एक्टिव, एक्टिव दो दिन से तो हालत खराब हो गई थी इसकी, एक्टिव इसलिए लग रहा है क्योंकि गुटखा थूक गया ना। सोसाइटी पहुंच चुके हैं, शाम ही हो गई घर पहुंचते पहुंचते, आराम से आराम से। आपके लिए मैं क्या लाया हूं, देखो कौन लाया आपके लिए? पीयूष ने पहले दिया था, दिया पीयूष ने, लेकिन मैंने कहा था, मैंने कहा था कुनाली के लिए क्या लेना है, ठीक है? तो मैंने कहा कि टेडी। कौन लाया, कौन लाया बताओ? सौदा दोनों। तो भी गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं, पूरा दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद, और दिव्यांश को भी साइल वाले रूम में शिफ्ट कर दिया हमने। सारी दवाइयां हैं, सारी दवाई सब अलग अलग है। आपके लिए समोसा और जलेबी लेके आया हूं। मैं समोसा नहीं खाऊंगी, जलेबी खा लूं। चाचा आप खाओ, समोसा खाओगे? तो पीयूष कर रहे हैं अपनी आइसिंग। भाई मेरा तो जलेबी और समोसे से पेट भर गया, चलो अब एडिटिंग करेंगे। जय माता रानी, सबको सुखी रखना, सब मेरे सब्सक्राइबर्स को, सभी फैमिली मेंबर्स को। भगवान जी कैसे सबको सुखी रखेंगे? भगवान जी सुखी रखते हैं सबको, कैसे? अगर आप उनसे प्रे करोगे ना। तो अब गाइस मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ और स्लो करता हूँ एंड। बाकी पीयूष तो ठीक हो चुका है, आपने देखा होगा, मतलब खा पी भी रहता है, उसको पेन भी कम हो रहा है, सूजन भी कम हो रही है, तो वो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन दिव्यांश का बाकी है, उसको लगेगा 1.5 महीना 2 महीने लग जाएंगे, बिकॉज फ्रैक्चर मुंह में लगे तो। हाँ लेकिन कर देंगे हम अपने घर पे, तो होपफुली
जल्दी ठीक हो जाए, बस यही दुआ है। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। कुनाली के लिए क्या ले? कुनाली के लिए मेरे को भी लिया। हाँ तेरे तेरे मुँह तो ठीक कर ले पहले, तो पहले वैसे गुटका गुटका दबा के बैठा हुआ है।